बुलेटिन जन सरोकार में और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण हेडलाइंस। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 है काफी घातक। नए वेरिएंट JN1 से बिहार में जारी हुआ अलर्ट, अस्पतालों में मास्क किया गया अनिवार्य। कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा नया टीका, हृदय रोग से निपटने में मदद कर सकती है यह नई वैक्सीन। अब घर बैठे उपभोक्ता भर पाएंगे बिजली का जुर्माना, जारी हुआ RFMS पोर्टल। बिहार में 4% महंगा होगा बिजली बिल, रेट बढ़ाने की याचिका की विनियामक आयोग ने दी मंजूरी। पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्राओं ने बनाया स्टार्टअप, नया ब्रांड के लिए छात्राओं ने तैयार किया उत्पादों का नमूना। अब खबरें विस्तार में। कोरोना का कहर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि COVID-19 के नए वेरिएंट ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। जी हाँ, यह पिछले वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक हो सकता है। हाल ही में केरल में कोरोना वायरस का JN1 स्ट्रेन पाया गया। भारत के केरल में COVID-19 के नए वेरिएंट JN1 के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चिंता की बात यह है कि केरल में अभी COVID-19 के 1,324 एक्टिव केस है। देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN1 मिलने के बाद अब सरकार पूरी तरह से हरकत में आ गई है। केंद्र की ओर से एडवाइजरी जारी होने के बाद अब बिहार सरकार ने राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को डरने या घबराने की बजाय सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही अस्पतालों में मास्क पहनना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। वैज्ञानिकों ने कोलेस्ट्रॉल कम करने का नया टीका विकसित किया है। यह टीका हृदय रोगियों के लिए वरदान की तरह साबित हो सकता है। जी आपको बता दें कि इससे खराब आइडियल कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद मिल सकती है। आइडियल कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिकाओं में खतरनाक प्लॉक बनाकर उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। दरअसल अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं को इसमें कामयाबी हासिल हुई है। वहीं आपको बता दें कि इस टीके के बारे में कहा जा रहा है कि यह आइडियल कोलेस्ट्रॉल को उतना ही कम करने में प्रभावी है जितना कि PCSK9 इनहिबिटर्स जैसी महंगी दवाइयां करती हैं। राज्य में बिजली चोरी करते पकड़े जाने वाले उपभोक्ताओं को अब जुर्माना की राशि जमा करने के लिए कंपनी के कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। जिला ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के CMD यानी कि संजीव हंस ने जुर्माना की राशि ऑनलाइन जमा करने के लिए बुधवार को RFMS पोर्टल का विमोचन कर दिया है। इस पोर्टल पर सहायक विद्युत अभियंताओं और कनीय अभियंताओं के निरीक्षण और दर्ज होने वाले FIR की विस्तृत जानकारी दी रहेगी। इससे पहले विद्युत भवन मुख्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने अभियंताओं के विभाग के लिए एक प्रशिक्षण मार्ग निर्देशिका BOLD का विमोचन किया। बिहार में नए साल में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। बिजली कंपनी इलेक्ट्रिसिटी के दाम 4.38% तक बढ़ाने की तैयारी में है। बता दें कि विनियामक आयोग में कंपनी की याचिका मंजूर हो गई है। दरअसल आयोग के सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और परशुराम सिंह यादव ने बिजली कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे स्वीकार कर लिया है और बिजली कंपनी को 1 अप्रैल 2024 से दरों में 4.38% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। आयोग ने कंपनी को 25 दिसंबर तक बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव को सार्वजनिक करने को कहा है। वहीं याचिका पर 15 जनवरी तक लोगों से सुझाव मांगे गए। पटना वुमेन्स कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट के विभिन्न विषयों की छात्राओं ने कॉलेज के अपने ब्रांड यानी कि इनाया के लिए उत्पादों का नमूना तैयार कर लिया है। वहीं फिजिक्स केमिस्ट्री समेत अन्य विषयों के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की छात्राओं ने LED बल्ब, स्टेशनरी वेंडिंग मशीन, हर्बल फेस पैक, लिप बाम, हर्बल तेल, एंटी डैंड्रफ शैम्पू समेत अन्य कई तरह के उत्पादों का 5-5 नमूना तैयार किया है। अब छात्राओं को विज्ञान स्टार्टअप के तहत कॉलेज के अपने ब्रांड के लिए थोक में उत्पाद तैयार करने के लिए राशि मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि थोक में उत्पाद तैयार करने के बाद उत्पादों को कम कीमत पर कॉलेज के अंदर और बाजारों में बेचा जाएगा। इससे छात्राओं को भी फायदा होगा, वहीं उनका कौशल विकास भी होगा और भविष्य में छात्राएं अपना खुद का भी स्टार्टअप खड़ा कर सकेंगी। वहीं इस स्टार्टअप में वर्तमान में करीब 70 छात्राएं शामिल है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल TV बिहार। धन्यवाद।